आइए एक पिंडदान गीत बा, इसलिए कि 13वीं का कार्यक्रम है और गीत बहुत पुराने लाइन में है बा। बात उस समय की है जब 14 वर्षों का वनवास काट के अयोध्या रामचंद्र जी आए। गुरु वशिष्ठ ने बताया कि बेटा राम, पिताजी का पिंडदान होना अभी बाकी है, माता जानकी के साथ में पिंडदान करने चल देते हैं। कैसे मठ साहब? अरसा नानान रतिया डोलई लाइन में गीत का भाव है। कैसे मठ साहब? रामाया सिया जी चल ले, राम ओ सिया जी चल ले, तारी पिंड दलवारा जानकी के साथ राजा दशरथ जी का पिंडदान करने चल दिए और जाते जाते फाल्गुन नदी के पास पहुंच गए और वहां एक पंडित जी देखे दिखाई दिए और पंडित जी दूर से जजमान इधर आवा, जजमान इधर आवा, आप अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की लड़का है, इनके पास बहुत बड़ी लिस्ट होत है, वाजा पर पाजा बताई देते हैं। एक लिस्ट हो रहा सुलाई ले। मारी चंद 11 लड़कन के जीजा। अरे मुरे 11 लड़कन। ए भाई अंडबंड ने बोलो बाबा। नहीं फिर अंडबंड हो जाए भैया। सुनाओ सुनाओ। मानिक चंद पटेल नहर ददौली सुराओं की पावन धरती से बा और नमोदय। बस हो ही गया अब जल। अरे बोल दे 11 लोग के जीजा। अरे यहां एक तो जने नहीं पड़ा तो 11 जने मिल के 51 रुपए का पुरस्कार है। हां भैया अंडमंड बोला नौटंकी के मंच न हो गलत हो जाए भाई। जगलाल पटेल बा उर्फ मिठाई लाल सधौ पूरा पावन धरती से भाव को समझते हुए 51 रुपए का पुरस्कार चरणों में कोट कोट प्रणाम पालगी स्वीकार हो कहना है। सुपूजन पटेल रेठू अवदानी पूरा हड्डिया की धरती से
भाव को समझते हो क्या रुपए का पुरस्कार चरण में कोट कोट प्रणाम पल के स्वीकार हो। एहर पंडित जी तमाम सामान बता दिए, पूरा लिस्ट बना के दे दिए। भगवान राम जाओ बाजार में चल देते हैं सामान लेने। कैसे मठ साहब हर राम ले गई ले बाबू हो सामान समानवा हो पंडित के समानवा आप हैं बड़े भैया संतोष भैया बलनपुर के पावन धरती से भाव समझते हुए राजू यादव भाव को समझते 11 रुपए का पुरस्कार चरण कोट को प्रणाम पल के स्वीकार हो। धन्यवाद। ओ हर राम ले गई ले बाबू हो समानवा पंडित जी बता दिए भगवान राम चल दिए और उधर माता जानकी पंडित जी के पास बैठी हुई है, लेकिन वहां करती क्या है। भाल गोधारा में तबले गई ले दिखाई बनवलिन माया नवारा हमारे चाचा जी माननी बा स्वर्गीय शोभनाथ पटेल जी के भांजी, भाई ने भांजी, बड़ी भांजी और छोटी भांजी बहन जी की तरफ से भाव समझते हुए 101 रुपए का पुरस्कार चरणों में कोट कोट प्रणाम पल के स्वीकार हो। आशीर्वाद की अपेक्षा है। बाबूजी इधर
माता जानकी बैठी है पंडित जी के सामने और तब तक एक अजरद होता है बीच धारा में। महाराज दशरथ जी का इतना सिर दिखता है और वो भोजन के लिए आग्रह करते हैं। सामान न होने के कारण माता जी ने बालू का तिल पिंडा बनाया और महाराज जी को खिला दिया। और इधर फिर क्या होता है, राम लई के सामान बाबू गईले तब आई, जो वहां घटना घटी थी बाबूजी, माता जानकी ने प्रभु राम को बताया। जानकी जी ने कहा आपको यकीन न हो तो पंडित जी बैठे हैं, गौ माता है और स्वयं फाल्गो नदी है, आप इनसे प्रमाण ले सकते हैं। लेकिन तीनों ने मना कर दिया। प्रभु राम ने पूछा और तीनों ने मना कर दिया। फिर सीता माँ जगत जननी करती क्या है, तीनों जन के साप ताबा देते बा माया नवा, बारी बारी तीनों जन के साप तब सुना, पंडित जी के श्राप विहीन कि कितना मांगबे पर आपत न पड़े। और गाई के कहन जा आने वाले कलयुग में आप महिला खाबू, और हर फाल्गो नदी श्राप दे दिहन कि फाल्गो नदी मैं श्राप दे रही हूं, तुम नदी तो रहोगी लेकिन हमेशा सूखी नदी रहोगी। जने के साप तीनाहू जने के साप दिहाली न माया नवारा, तीनों को श्राप मिल गया। इसका प्रमाण दिए एक कुसा का पेड़ रहा, कुसा का पेड़ वो प्रमाण दिहेस प्रभु राम से बताएस सारी हकीकत। माता जगत जननी सीता जी ने उसको आशीर्वाद दिया कि बेटा तुम जहां भी रहोगे, पत्थर पे रहोगे, कड़ी धूप में रहोगे, कोई आग से जला देगा, फिर भी तुम हमेशा हरे भरे रहोगे बाबूजी। इसीलिए कुसा कभी सूखता नहीं है, कुसा के जगत जननी का श्राप आशीर्वाद है। और अंत में कहना है मास्टर साहब, स्वामी गीतानंद भुल्लर ताजा ले बतानवा, स्वामी गीतानंद
सरल सबके मानिक सरल सबके सुनावई तरनवारा।